जा पाए। पाकिस्तान से बात के बिना शांति कैसे आएगी, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। दोनों तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शांति नहीं चाहते। हम कितना भी चिल्ला लें सरकार बात नहीं करेगी। सवाल ये पूछा जाना चाहिए फारूक अब्दुल्ला साहब से, पाकिस्तान का तो नहीं हिंदुस्तान की तरफ से बता दे शांति कौन नहीं चाहता है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनिए जरा। आजकल जम्मू के रीजन में ये बढ़ गया है। अभी आप देखिए, डोडा में था, आज रजौरी में हुआ है फिर से, और एक सिपाही शहीद हो गया है। ये चीज़ें अफसोस की बात इस बात का है कि दोनों मुल्कों में ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। बिना शांति कैसे आएगी, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। दोनों तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शांति नहीं चाहते। हम कितना भी चिल्ला लें सरकार बात नहीं करेगी। सवाल ये पूछा जाना चाहिए फारूक अब्दुल्ला साहब से, पाकिस्तान का तो नहीं हिंदुस्तान की तरफ से बता दे शांति कौन नहीं चाहता है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनिए जरा। आजकल जम्मू के रीजन में ये बढ़ गया है। अभी आप देखिए, डोडा में था, आज रजौरी में हुआ है फिर से, और एक सिपाही शहीद हो गया है। ये चीज़ें अफसोस की बात इस बात का है कि दोनों मुल्कों में ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं।